हेलो एवरीवन, क्या आप सबका वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अगर आप हमारा चैनल थोड़े टाइम से फॉलो करते हैं, आपने देखा ही होगा कि हमने छोटी सी वीडियो सीरीज शुरू की हुई है, पहली सी हमारी स्टूडेंट हेल्प स्टूडेंट के नाम पर, जिसमें स्टूडेंट्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अच्छा बुरा बाकी सबके हेल्प के लिए। सो आज की जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसमें जैसे स्पाउस केस के ऊपर है, जैसे आपने टाइटल पढ़ी लिखा हुआ कि स्पाउस पर 5 साल का बैन लग गया इन्फॉर्मेशन सही ना भरने की वजह से। तो केस जितना मुझे बच्चे ने बताया वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मेन कैंडिडेट था, लड़की थी, वो जा चुकी थी कनाडा। उसके बाद में उन्होंने जो बच्चा था, हस्बैंड बना था, वैसे बच्चे थे, एज काफ़ी कम है सबकी, तो उन्होंने अपना अप्लाई किया वीज़ा एंड उस बच्चे की आगे इंटरव्यू। एंड इंटरव्यू में एक जो बच्चे ने मुझे चीज़ बताई कि उन्होंने पूछा कि आप बात कितनी देर करते हो आपस में, लाइक जैसे वो कनाडा में आप यहाँ पर हो। तो उसने बच्चे में बोला कि जैसे हम 4-5 घंटे बात कर लेते हैं। एंड हाई कमीशन हुई इसके ऊपर थोड़ा शक हो गया कि जैसे बच्चा अपना वर्क स्टडी भी कर रही है एंड फिर पार्ट टाइम मोस्ट प्रॉब्ली वर्क भी कर रही, तो उसको 4-5 घंटे भी कैसे मिल जाते हैं लाइक करने के लिए, बातें करने के लिए। उस चीज़ पर थोड़ी डिसऑनेस्टी लगी होगी, या फिर ऑन द सेम टाइम ही वाज टेलिंग कि मेरी जो फाइल एजेंट ने प्रिपेयर करके लगाई उसमें ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह कुछ डिटेल नहीं थी, उसके कारण लगी हो सकती। बट सिंपल ये चीज़ नहीं होती कि फ़ोटो लगना या फिर मैरिज सर्टिफिकेट लगना, सिर्फ ये एक कह लीजिए चीज़ नहीं होती कि जिसकी वजह से पूरा हो जाता है कि हाँ यार ये किस जेन्युइन है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर फाइल को जज किया जाता है। बट इस केस में चाहे मिस इन्फॉर्मेशन जो 5 घंटे बोल दिए वो चीज़ हो गई, चाहे फाइलिंग प्रॉपर ना होने की वजह से उस बच्चे पर लग गया कि आप एक जेन्युइन कैंडिडेट नहीं हो जिसने अप्लाई किया, और उस पॉज पर 5 साल का बैन लग गया। तो सीख हम इससे यही ले सकते हैं कि अगर आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, अपनी फाइलिंग अच्छे से करें, यू नो प्रॉपर सारी फाइलिंग हो, प्रॉपर सारी डिटेल लगी हो। सेकंडली, यू शुड नो अबाउट द बेसिक चीज़ें। ये कॉमन सेंस वाली चीज़ें थी जो कि उसके कंसल्टेंट ने उसको गाइड करनी चाहिए थी। बट चलो, हमें भी सीख मिल गई, हम भी ध्यान रखेंगे, आप सब भी ध्यान रखिए ताकि आप सेम गलती ना करें। क्योंकि पंजाब में स्पेशली काफ़ी रिवाज है कि जो लड़कियों, जो बच्चों के, लड़कों के स्पेशली बैंड वगैरह नहीं होते, गैप ज़्यादा होता है और लड़कियाँ अफोर्ड नहीं कर सकती, तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर देते हैं, कुछ जेन्युइन मैरिज करके बाहर भेजने की कोशिश करते हैं, और बाद में ये चीज़ नहीं होती तो काफ़ी उनको प्रॉब्लम आती है। हमारे न्यूज़ चैनल्स भरी हुई ऐसी चीज़ों में, ऐसे बहुत सारे यू नो केसेस में क्या होता है क्या नहीं होता, तो उस चीज़ के आप सब ज़्यादा समझदार हो। बट इन सब छोटी डिटेल्स का आप ध्यान रखिएगा ताकि सेम गलती आपके साथ ना हो और बैन वगैरह आपको ना फेस करना पड़े या फिर रिजेक्शन भी ना फेस करनी पड़े ओवरऑल। एंड अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो यार, कुछ जानना चाहते हो, तो मैं डेली ऑलमोस्ट रोज़ मॉर्निंग 9:30 to 10 AM अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट में लाइव होता हूँ। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड जब मैं लाइव होता हूँ, जो भी पूछना चाहे मुझसे पूछ सकते हो, जो मुझे जनरली पता, जितनी मुझे अकल है मैं आपको बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा। एंड अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी है, कुछ हद तक हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ भाई लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।